नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री पद पर शपथ लेने से युवाओं में देखने को मिला खुशी का लहर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र ग्राम पंचायत पछोखा ग्राम बेहरर में राम शकल सिंह पटेल अपना दलीय पार्टी के जोन अध्यक्ष छात्र मंच विधान सभा 395 क्षेत्र के ग्राम बेहरर में ग्राम प्रधान महानंदन पटेल के आवास पर राजन पटेल, राकेश सिंह पटेल, राजकुमार सिंह पटेल, विकास सिंह, बुद्धलाल चौधरी, मौजीलाल चौधरी, जितेंद्र सिंह पटेल, रामजी पटेल, भोला को संत कुमार, अग्रहरी कृष्णा कुमार कौल, राजा राम कौल, लवलेश पटेल, रवि सिंह पटेल, अनिल सिंह पटेल, अमर पटेल, सत्येंद्र गौतम और अन्य बहुत युवा साथी राम शकल सिंह पटेल के साथ मिलकर रंग गुलाल लगाकर माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, आशीष पटेल जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपना दलीय पार्टी के सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाने पर युवाओं के मनाया मिलन समारोह और सभी युवाओं को मनाया है कि युवाओं पर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों का आशा जताए। नमस्कार दोस्तों, मैं भूप नारायण मौर्य आपको ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचोखर में ग्राम बैरहर में। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ युवा साथी लोग हैं जो है कि काफ़ी खुशी और उत्सव के माहौल में दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। भाई साहब का क्या परिचय, नाम क्या है? जी, मेरा नाम राम शकल सिंह पटेल, पचोखर बैरहर मोरा मूल निवास है। मैं जोन अध्यक्ष छात्र मंच अपना दल एस पार्टी से हूँ। आज आप लोग बड़ा खुशी के माहौल में दिखाई दे रहे हैं, ये लाल गुलाल रंग अभी लगा करके खुशियाँ मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? जी, हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग सहयोगकर्ता लोग, हमारे ग्राम भाई साथी लोग, सबका उद्देश्य था कि हम लोग आशीष भैया कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर खुशियाँ मनाया जाए। अगर ना लखनऊ या मिर्जापुर पहुँच सकते हैं तो हम आप ही को अपना मान के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही उनको जो है कि बधाई वगैरह देना चाह रहे हैं। अपने सभी लोग, अपने कार्यकर्ता मिलकर, अपने ग्राम सभा प्रधान बुब्बा जी मिलकर, सब लोग मिलकर बधाई देना चाहते हैं आशीष भाई को जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने पर। आप लोग सभी बहुत खुश नजर आ रहे हो और उनको अपने यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से आप लोग उनको बधाई देना चाह रहे हैं। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देता हूं और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अच्छा, ये मंत्री लोग बने, ऐसे तो बहुत मंत्री बनते रहे सब दिन। जी जी, आज आप लोगों के अंदर बड़ा खुशी दिखा, ऐसा कुछ क्या दिखा जो आप लोग खुश हैं? केशव जी, खुशी इसलिए बात की हुई, हम लोगों ने एक तरह से कह लिया जाए कि माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद हमारे जनपद वासियों और साथ साथ हमारे मिर्जापुर वासियों के ऊपर है। जैसा कि हम लोग एक सांसद और केंद्र मंत्री और कैबिनेट मंत्री के हम लोग राज्य में, जिले में निवास करते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि माननीय आशीष जी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने से हम कार्यकर्ताओं की और सहयोगी दल का और गरीबों का और शोषित वंचितों का सभी का विकास होगा। किसी उसमें भेदभाव की वो नहीं रहेगा, हम लोग का सर्वांगीण विकास होगा, हम लोगों का मांगे पूरी होंगी, जैसे जो भी चीजें होगा हम लोग कार्यकर्ता हैं, यही उम्मीद से हम लोग। आपको विश्वास है? एकदम विश्वास है। किस प्रकार विकास पर उम्मीद है? विशेष तक फोकस होगा, विशेष फोकस जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमारे यहाँ स्टेडियम का हुआ और तमाम, जैसे लालगंज में स्टेडियम हुआ, हमारे यहाँ विद्यालय की समस्याएं हैं और जो तमाम क्षेत्र में समस्याएं हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। माननीय अपने कैबिनेट मंत्री जी से चर्चा करेंगे, माननीय अनुप्रिया जी से चर्चा करेंगे, माननीय विधायक जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसलिए हम लोग गलत काम को देखते हुए नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम लोग सही मार्ग पर चलेंगे और विकास के रूप में चलेंगे। विकास में निस्वार्थ निभाव, कोई जात पात या किसी चीज़ का विरोध नहीं रहेगा। बहुत जो है कि अच्छा आपने बोला जो है कि मंत्री जी बनने पर आप लोगों ने बड़ा खुशी मनाया, लेकिन यहाँ आपको दोहरी खुशी है कि माननीय राहुल प्रकाश विधायक जी लगातार आप लोगों के सहयोग से विधायक बने, उनके लिए क्या करना है? मैं अपने 96 विधानसभा के जनता से मैं यही उम्मीद करता हूँ, निस्वार्थ होगा, कोई भी हो, किसी मतलब जात पात का या किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हुए हम लोग का विकास होगा, विकास का मेन मुद्दा रहेगा, कोई भी हो हम लोग उसका सही का साथ देंगे, जो भी होगा वैसे सब करके हम लोग अपने साथ। आप लोगों की इच्छाएं हैं कि हमें जातिवाद और जो नहीं, किसी का परिवारवाद, किसी मजहब मजहब का विरोध नहीं करना है, किसी धर्म का विरोध नहीं करना है। जैसे सरकार का कहना है भैया, देखिए इनका, कि सभी का साथ सभी का विकास, ऐसा मोदी जी और योगी जी भी कहे हैं हमारे देश में, ऐसा इन युवाओं में दिख रहा है कि हम किसी से भेदभाव न करते हुए सभी को एक साथ लेकर चलने का काम करेंगे। इसी के साथ जो है कि मिर्जापुर से राजकुमार पटेल के साथ भूप नारायण की रिपोर्ट।